वकील आया कि नहीं? पैसों के पीछे छिपकर तेरे गुनाह नहीं छिपेंगे। अदालत में तेरा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अरे गलत फहमी हो गई आप। हल्दीराम, हमारे पास तुम्हारे खिलाफ बहुत सबूत है, अब तू नहीं बचेगा। हल्दीराम, तेरे गैंग का एक आदमी शिवा जो हमारी कस्टडी में है, उसने हमें सब कुछ बता दिया। शिवा? अरे कौन शिवा भैया, हम किसी शिवा को नहीं जानते, हम तो शिवजी का भगत हैं। अरे है कोई अंधेर नगरी में हमारी बात सुनने वाला? एक कोतवाल जबरदस्ती हम देहाती अनपढ़ गवार को उठाएंगे। सर, ये है श्री हल्दीराम के एंटीसिपेटरी बेल के ऑर्डर्स। तुम पुलिसिया अपने आप को कहाँ समझते हो? अरे हमारा नाम हल्दीराम है। चलो, हम कल भी पुलिस डिपार्टमेंट के लिए सरदर्द थे और हमेशा रहेंगे। पुलिस डिपार्टमेंट का मजाक मना रखा है लोगों ने। एक ही तरीका है, हल्दीराम की गैंग का कोई आदमी सरकारी गांव बन जाए। उनकी गैंग का आदमी हमारा प्रभु क्यों बनेगा? मुझे एक रास्ता नजर आ रहा है। वो क्या? शिवा ने जिस लड़की का जिक्र किया, निशा चोपड़ा, उसे हेडक्वार्टर बुलवाइए। शिवा का डाइंग स्टेटमेंट दर्ज करने के बावजूद भी वो हल्दीराम जमानत लेने में कामयाब हो गया। तुम उसको बेवकूफ समझता है? अगर पुलिस डिपार्टमेंट में मरा आदमी है तो उसका भी पुलिस वालों के साथ घुसपैठ है। अब जो करना मेरे को करना। मैं जब जेल के बाहर जाएगा तो सबसे पहले हल्दीराम की रीढ़ की हड्डी तोड़ेगा, और वो रीढ़ का हड्डी है पंडित। मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि मैं चाहता हूँ कि आप पुलिस की मदद करें। मुझसे कैसी मदद चाहते हैं आप? डिपार्टमेंट चाहता है कि पंडित हल्दीराम के खिलाफ सरकारी गवाह बने, और इस काम के लिए आप पंडित को कन्विंस कर सकती हैं। I'm sorry सर, आपके पास कोई गलत इन्फॉर्मेशन है। मेरे कहने से पंडित सरकारी गवाह क्यों बनेगा? क्यों? तुम्हारे कहने से पहली बार वो हथियार उठा सकता है, तुम्हारे कहने से पहली बार जुर्म कर सकता है, तुम्हारे कहने से पहली बार कानून तोड़ सकता है, तो क्या तुम्हारे कहने से एक बार सरकारी गवाह नहीं बन सकता? तो आप कहना चाहते हैं कि पंडित की गुनहगार मैं हूँ? गुनहगार तो तुम हो ही निशा चोपड़ा, क्योंकि तुमने ऐसे हालात पैदा किए हैं जिससे एक सीधा साधा भोला इंसान गुनहगारों का पंडित बन गया। मेरा बस चले तो पंडित से पहले मैं तुम्हें गिरफ्तार कर दूं और सजा दिलवाऊं। I've had enough. पुलिस डिपार्टमेंट का काम ये नहीं कि एक सिटीजन को धमकी दे, उसकी इंसल्ट करे, बल्कि आपका काम है क्रिमिनल को अरेस्ट करें, उसे सजा दिलवाएं। फाइनली पंडित हर क्रिमिनल की तरह पकड़ा जाएगा, उसे फांसी भी हो जाएगी, और शायद उस दिन तुम्हें एहसास होगा कि उसकी मौत के जिम्मेदार तुम हो। Can I go now? Yes, thank you very much. पंडित की जिंदगी तुमने तबाह कर ही दी, उसे सरकारी गवाह बनाकर कम से कम एक बार तो उसका भला कर दो। पुलिस वालों का दिमाग खराब हो गया है। वो कहते हैं कि मेरे कहने पर पंडित सरकारी गवाह बन जाएगा। इमरान, मेरा क्या रिश्ता है उसके साथ, क्या लेना देना just, है मेरा? Just relax. We will discuss this later. मैं नमाज पढ़ के अभी आया। निशा? कैसी हो तुम? तंग आ गई हूँ मैं। तुम्हारी वजह से आज मेरी ये दुर्गति हो गई है कि इस शहर की सड़कों पर डर डर के चलना पड़ता है मुझे। अपने ही घर में दहशत और खौफ में जी रही हूँ मैं, और अब तो पुलिस वाले भी मेरे पीछे पड़ गए हैं। नर्क बना दिए तुमने मेरी जिंदगी। निशा, मैं आज तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान लेकर आया हूँ। मैंने पंचांग से मुहूर्त निकाला है। इस महीने की 27 तारीख को हमारे विवाह की तिथि निकली है। समय बहुत कम है, इसलिए इन कार्डों में से कोई भी एक कार्ड पसंद कर लो, आज ही छपवाने हैं। तुमने ये सोचा कैसे कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगी? अगर तुम्हें ये गलत फहमी है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तो भूल जाओ इसे, क्योंकि मेरे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत है, नफरत। एक गुनहगार के साथ शादी करने से तो बेहतर होगा कि मैं भी अपनी बहन की तरह आत्महत्या करूं। बहुत हो गया। अब मैंने तुम्हारे मुंह से एक शब्द भी नहीं सुनना। निशा, मैं अपराधी बना क्योंकि मैंने तुमसे प्रेम किया, और अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा नहीं था बल्कि तुमने मेरे साथ षड्यंत्र रचाया था, तो तुमने बहुत बड़ा पाप किया निशा, और तुम्हारे इस पाप का प्रायश्चित यही है कि तुम मुझसे विवाह करोगी। बंद करो अपनी ये बकवास।
मैं अभी पुलिस कमिश्नर को फोन कर रही हूँ और वो यही तुम्हारा इनकाउंटर करेंगे। रुक जाओ निशा। क्यों? मौत का नाम सुनते ही डर गए? नहीं, जब कोई नमाज पढ़ रहा होता है तो उसके सामने से नहीं गुजरते, समझी? निशा, जब तुम पुलिस कमिश्नर से बात करोगी तो उन्हें 27 तारीख को हमारे विवाह का न्योता जरूर देना। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम समझते क्या हो अपने आप को? मैं तुमसे शादी करूंगी? I'll have your extradition दीक्षित, तुम्हें फांसी होगी। निशा, are you all right? मैं अर्जुन को किसी सुनसान जगह पर बुलाकर पुलिस को इन्फॉर्म कर दूंगी, फिर ये किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। बेवकूफों की तरह बात मत करो निशा। पुलिस आज तक खुद पंडित को गिरफ्तार नहीं कर पाई, इसीलिए वो तुम्हारे कंधे के ऊपर बंदूक रखकर चलाना चाहती है। तुम्हारा और पंडित का जाती झगड़ा है, एब्सोल्युटली पर्सनल। तुम्हारा अपना मसला है, तुम्हें खुद ही सुलझाना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? पर इमरान, मैं क्या करूं, कैसे करूं? He has made my life miserable. और पुलिस समझती है कि अर्जुन दीक्षित को पंडित बनाने की जिम्मेदार मैं हूँ। वो तो तुम हो। Shut up. ये सब क्या है पापा? शगुन। किसका शगुन? पंडित और उसके आदमी यहाँ आए। पंडित ने तेरी बहन की तस्वीर पर फूल माला चढ़ाई, धूप दिया दिखाकर माफी मांगी और अपनी तरफ से आज तेरे साथ सगाई पक्की करके गया है। ये अंगूठी भी रखकर गया। बस करिए। को फोन देना। अच्छा, जरा होल्ड करना। आपका फोन है? मुझे किसी से बात नहीं करनी। आपकी निशा का फोन है। निशा? हेलो निशा, निशा का फोन है? देखना भी फिर पागल हो जाए। जॉनी हफीज, निशा मुझसे मिलना चाहती है कल सुबह। बारिश का भूत, माशूक मिले तो खुमार है, ना मिले तो बुखार। तुम लोग यहीं रुको। निशा, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तुम्हारे मेरे बीच की इस दूरी को मैं हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहती हूँ। क्या तुम मेरे जीवन साथी बनोगे? मेरे साथ घर बसाओगे? मेरी अंतिम इच्छा तो यही है निशा, पर तुमसे सुनकर विश्वास नहीं हो रहा। पर इस इच्छा का कल बहुत भयानक है अर्जुन। तुम सामने रहोगे तो मैं सुहागन रहूंगी, आंखों से ओझल होते ही विधवा होने का डर रहेगा। और कौन सा गुनहगार अपने बच्चों को भविष्य दे पाया है जो तुम दे पाओगे? बेटा हुआ तो बिना कोशिश गुंडे उसे अपना मुखिया मान लेंगे, बेटी हुई तो कोई भला लड़का उसके साथ घर नहीं बसाएगा। जिस गुंडे के पल्ले बांध दोगे उम्र काट देगी, ना हम शांति से जी पाएंगे ना हमारा परिवार। क्या यही सपना है तुम्हारा? क्या यही जिंदगी होगी मेरी? आज पंडित के जीवन का अंतिम दिन है। मैं तुमसे नफरत करती हूँ अर्जुन दीक्षित, नफरत करती हूँ। I hate you.
निशा बेटी, निशा बेटी, पापा चलो ये घर छोड़ के चलते हैं। और हुआ क्या बेटी? मैंने मैंने पंडित को जान से मारने की कोशिश की। ये सब क्या किया तूने? क्यों किया? और मैं क्या करती पापा, उसने मेरा सांस लेना मुश्किल कर दिया था, मेरा जीना आराम कर दिया था। ऐसी घुटन में रहने से तो अच्छा था मैं उसे खत्म कर देती, पर वो बच गया। दीदी क्या बात है? अब समझने समझाने का वक्त नहीं है, हमें अभी इसी वक्त ये घर छोड़ना है। अध्याय को हमेशा के लिए समाप्त कर दूंगा। अरे कहां जा रहे हो? रुको, पुलिस, पुलिस, रुको, रुको, पंडित मेरी बेटी को लेंगे। ये लो शादी का छोड़ा, तुम्हारा अभी इसी वक्त मेरे साथ विवाह होगा। ये शादी का जोड़ा नहीं, कफन है मेरे लिए। निशा जोड़ा उठाओ, मैं विधिवत विवाह की तैयारी करता हूँ। विवाह? कौन करेगा मुझसे विवाह? अर्जुन दीक्षित, जिसकी वजह से मेरी मासूम बहन को जिंदगी गवानी पड़ी। पुकार जो 500 मंत्र तो पढ़ सकता है पर एक सच्ची गवाही नहीं दे पाया। या फिर मेरे साथ साथ फेरे लेगा पंडित, जिसका हाथ किसी न किसी के खून से रंगा है। मैं मरना पसंद करूंगी अर्जुन पंडित, पर तुमसे शादी हरगिज नहीं करूंगी। नहीं, 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 ये क्या कर रहे हो? आज या तो सात फेरे होंगे तुम्हारे साथ, या तुम्हारे भाई का अंतिम संस्कार। नहीं, नहीं, मेरे बिट्टू को मत मारना, मेरे बिट्टू को मत मारना। तुम जो कहोगे, जैसा कहोगे वैसा ही होगा। मेरे बिट्टू को मत मारना, प्लीज मेरे बिट्टू को मत मारना। देखो ये कैसा संजोग है निशा, उस दिन मैं संजय शर्मा के खिलाफ गवाही नहीं दे पाया क्योंकि मेरे पूरे परिवार का जीवन दांव पे लगा था, और आज इस अग्नि को साक्षी मानकर तूने मुझे अपना पति मान लिया क्योंकि तुम्हारे इकलौते भाई की जान दांव पे लगी थी। निशा, अपने जीवन से ज्यादा अपनों की मृत्यु का भय होता है इंसान को, वरना अपनी मौत के डर से कोई नहीं टूटता, सिर्फ अपने रिश्तों का कर्ज चुकाने के लिए उसे मजबूर होना पड़ता है, जैसे उस दिन मैं हुआ था और जैसे आज तुम्हें होना पड़ा। अगर उस दिन मेरी बेबसी को समझकर तुमने मुझे क्षमा कर दिया होता तो आज इस पंडित का जन्म नहीं होता। मुझे माफ करना बिट्टू, चलो। क्या पंडित ने मेरी बेटी से शादी कर ली? अरे मुबारक हो, आपकी बेटी का घर बस गया। पापा? पापा? कौन पापा, किसका पापा? इस शहर में सबका पापा, पंडित का ससुर यानी कि शहर का पापा। मैं उस पंडित का खून कर दूंगा,
अजीब आदमी है यो, अपने हाथों से अपनी बेटी को बेवा बनाना चाहता है। पापा, पंडित इस देश का भविष्य है, आप देखने एक एक दिन में प्रधानमंत्री जरूर बनेगा। लो जी, आप बैठे बिठाए प्रधानमंत्री के ससुर और यो प्रधानमंत्री का साला मिठाई खाओगे।